स्वीडन में कुरान की बेहुर्मती पर भड़के बांग्लादेश के लोग सड़कों पर निकल किया बड़ा विरोध प्रदर्शन। स्वीडन में कुरान जलाने वाली घटना के बाद समुदाय विशेष के लोगों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया भर के मुसलमानों ने स्वीडन में हुई इस घटना के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। जनता ने अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। हालांकि अपराधी पकड़ा गया या नहीं, इसका कोई अपडेट नहीं आया है। इस बीच खबर आ रही है कि बांग्लादेश में कुरान जलाने की इस घटना के खिलाफ लोगों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया है। बांग्लादेश की सड़कों पर भारी तादाद में मुसलमानों ने निकलकर स्वीडन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जनता ने इस मामले में स्वीडन सरकार की जमकर आलोचना की है, साथ ही इस मामले में खामोश रहने वाले लोगों को आईना दिखाया है। एक यूजर ने लिखा, यही तो इस्लाम की खूबी है, पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे यानी इस्लाम सबसे आगे। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी इस्लाम पूरी दुनिया में तेजी से फैलने लगा है। इससे और भी सताने वाले आएंगे, फिर भी और तेजी से फैलेगा। लगे रहो सब इस्लाम के पीछे, दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। वहीं एक और यूजर ने लिखा, हर देश का प्रतिरोध दर्ज हुआ है, इंडिया का कोई बयान नहीं आया। सबका साथ सबका विकास बोलने वाले मुसलमानों के लिए कुछ नहीं बोल सकते, दोहरीकरण की राजनीति करना ही इनका मकसद है। वहीं एक और यूजर ने कहा, किसी के भी धार्मिक ग्रंथ का अपमान करना बहुत बड़ा पाप और गुनाह है। किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ हो, सबकी इज्जत है, सबका अपनी जगह पर नाम है, काम है। मैं इस हरकतों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। किसी भी धर्म का हो अगर ऐसी हरकत करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। वहीं एक और यूजर ने कहा, किसी भी दूसरे धर्म की बेइज्जती करना बहुत ही बुरा काम है। वहीं एक और यूजर ने लिखा, कुरान के खिलाफ कोई भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। मुसलमान अपने ऊपर सारे जुल्म बर्दाश्त कर लेंगे, मगर कुरान की बेहुर्मती नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहीं एक और यूजर ने लिखा, इस घटना का जितना भी निंदा करूं कम है, पूरे दुनिया में सबको विरोध करना चाहिए। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहें।